दोनों संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इन दोनों उपचुनावों को जीतेगी। बसपा के पास जो वोट बैंक था उसे वो खो चुकी, इसलिए सपा बसपा का गठबंधन भी भाजपा के विजय रथ को रोक नहीं पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मार्च 2018 ये तारीख कोई आम तारीख नहीं रह गई है। 14 मार्च का सूरज एक उम्मीद की किरण उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए लेकर आया जो या तो हार चुकी थी या हार मान चुकी थी। उपचुनाव के नतीजों से पहले ही बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त दिखी। गोरखपुर, फूलपुर और बिहार की सीटों पर शुरुआत में बीजेपी उम्मीदवारों ने भी बढ़त बनाए रखी, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ने लगा बीजेपी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के चेहरे का रंग भी उतरने लगा। इस बीच यह भी खबर आई कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे अमित शाह से मिलने दिल्ली रवाना हो गए हैं। दोपहर बाद लाल और नीला रंग सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देखने को मिला, जब तमाम चैनलों ने यह बताना शुरू किया कि गोरखपुर और फूलपुर से बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। 2014 के बाद से ही चुनाव में जीत का जश्न मनाने का मौका ढूंढ रहे इन कार्यकर्ताओं का इंतजार देर से ही सही, लेकिन आज खत्म हुआ। 2019 चुनाव से पहले ये जीत विपक्ष में जान भरने का काम करेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ये हार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो नहीं? इस शिकस्त से प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी, हर किसी को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि शिकस्त कहीं और नहीं अपने ही किले में मिली है। उसी किले में जिसे 29 साल से कोई दूसरा फतेह नहीं कर पाया था, वो किला जहां से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। हार उस सीट पर भी मिली है जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद सीएम योगी से भी ज्यादा वोटों से जीत कर आए थे, और हार उस सूबे में भी मिली है जिसकी बदौलत बीजेपी ने देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यही हार बिहार में अररिया लोकसभा सीट पर भी देखने मिला, जब आरजेडी के सरफराज आलम ने बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह को मात दी। लालू यादव के सलाखों के पीछे जाने के बाद आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। यह जीत तेजस्वी का मनोबल बढ़ाने का भी काम करेगी। भारत की राजनीति में जब जब बहुमत की सरकारें रही है तब तब विरोधी पार्टियों ने मिलकर ही मुकाबला किया है। इस उपचुनाव में भी यही रणनीति काम आई। जिस तरह महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गए थे, वैसे ही अखिलेश यादव ने इस बार अपने रचे चक्रव्यूह से योगी को चकमा दिया और गोरखपुर और फूलपुर में जीत दर्ज की। अपने वरिष्ठ सहयोगी वकार अहमद के साथ योगेश सोमकुंवर, लोकमत न्यूज.in।